हाय गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। 30,000 में अगर आप लोग लैपटॉप ढूंढ रहे थे, एकदम सही वीडियो पे आप पहुंचे हो आप लोग, क्योंकि मैं आपको 30,000 रुपीस में 7,000 सीरीज का सीपीयू वाला लैपटॉप बताऊंगा एंड i3 13 जनरेशन वाला लैपटॉप भी बताऊंगा। मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना एंड ये जितने भी लैपटॉप्स बताऊंगा इसमें आपको बैटरी बैकअप भी अच्छी मिलेगी, प्रोडक्टिविटी के काम भी कर सकते हो और छोटी मोटी एडिटिंग भी कर सकते हो। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड। और जितने भी लैपटॉप्स बता रहा हूँ सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके चेकआउट कर लेना। जल्दी से हमारी लिस्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लैपटॉप है MSI मॉडर्न 40 जो i3 12 जेन के साथ आता है 12 15U। अब ये वाला लैपटॉप मैंने पर्सनली यूज कर रखा है। इसमें मैं बता दूं, ये जो सीपीयू मिल रहा है आपको, ये एक 6 कोर का सीपीयू है एंड ये इतना पावरफुल सीपीयू है कि आप इसमें हल्की फुल्की एडिटिंग भी कर सकते हो। बाकी 8GB की रैम, 512GB की SSD मिल जाती है। रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, SSD को कर सकते हो एंड उसके बाद इसमें आपको इंटेल के अल्ट्रा SD ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं। तो वेलोरेंट भी खेल पाओगे, GTA 5 भी खेल पाओगे बट लो सेटिंग पे, तो गेम्स भी चला देगा बट लो सेटिंग पे। उसके बाद बाकी अगर मैं इसकी बैटरी बैकअप की बात करूं तो आपको इजीली 4 से 5 घंटे की बैटरी बैकअप मिल जाती है एंड इसमें जो कीबोर्ड मिलता है वो आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला जो लैपटॉप है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं और ये है वो लैपटॉप जिसमें आपको Ryzen 7000 सीरीज का सीपीयू मिल जाता है। तो ये है Asus का VivoBook Go 14 एंड ये दोस्तों Ryzen 3 7320U सीपीयू के साथ आता है। जिनको नहीं मालूम है मैं बताऊं, ये एक 4 कोर का बहुत ही पावरफुल सीपीयू है। एडिटिंग भी हैंडल करेगा, गेमिंग भी हैंडल करेगा, गेमिंग लो सेटिंग पे, लेकिन इसमें आप फुल HD वीडियो एडिट कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज है इसमें, जो और कोई लैपटॉप शायद इस प्राइस में ना दे, दैट इज इट्स 8GB DDR5 RAM। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, ये एक DDR5 RAM है जो और कोई लैपटॉप नहीं देता है। एंड हाँ, ऑब्वियसली ये अपग्रेडेबल नहीं है क्योंकि ये सोल्डर्ड है मदरबोर्ड में, बट बहुत ही ज्यादा फास्ट रैम है और ये 512GB SSD के साथ आता है जिसको आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, एलेक्सा दीदी का सपोर्ट है एंड इसमें आपको 14 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिलती है। जो मैंने लास्ट लैपटॉप बताया था MSI का, उसमें भी आपको 14 इंचेस की फुल HD IPS लेवल पैनल मिलती थी। इसमें दोस्तों वेगा की इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं, तो छोटे मोटे गेम्स जो आप खेलोगे वो डेफिनेटली हेल्प करेगा उनको खेलने में। और ओवरऑल इसकी जो बैटरी बैकअप है वो आपको 5 आवर्स प्लस की मिल जाएगी नॉर्मल यूज पे, क्योंकि भाई ये जो CPU है ना बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट CPU है। अगले लैपटॉप के बारे में बात करते हैं दोस्तों एंड ये लैपटॉप आता है i3 13 जेन के साथ। दिस इज नन अदर देन Acer Aspire Lite एंड इसमें आपको मिलता है i3 का 1305U। अब ये दोस्तों 5 कोर का CPU है। आप सोचोगे 6 कोर का CPU पहले देखा, ये 5 कोर का है, क्या ये इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये काफी ज्यादा पावरफुल CPU है, जो Ryzen 5 5500U आता है ना उससे बेटर सिंगल कोर परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये, और उससे ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है, मतलब बैटरी बैकअप भी बेटर है। उसके बाद फर्दर इसमें 8GB की रैम है, 512GB की SSD है, दोनों को आप फर्दर अपग्रेड भी कर सकते हो। एंड इस लैपटॉप की जो सबसे अच्छी चीज लगी कि इतने तगड़े स्पेक्स तो है ही, उसके साथ साथ जो बॉडी है इसकी, मतलब जो चेसी है और जो इसकी लिड है वो एलॉय की बनी हुई है, मतलब मेटल बॉडी मिल जाती है। फर्दर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाती है एंड इसमें जो आपको ग्राफिक्स मिलते हैं इंटेल के अल्ट्रा HD, उसके थ्रू आप गेमिंग वगैरह भी कर पाओगे छोटे मोटे। ये लैपटॉप भी गेमिंग को हैंडल कर लेगा, मतलब लो सेटिंग पे एडिटिंग हैंडल कर लेगा, डे टू डे टास्क बहुत ही फास्ट करेगा और बैटरी बैकअप आपको इजीली 5 आवर्स तक की मिल जाएगी, प्लस इसमें फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। सो अगर आप ऐसे इंसान हो जो 30,000 से थोड़ा ऊपर जाने के लिए रेडी हो, देन ये लैपटॉप डेफिनेटली आप खरीद सकते हो, बहुत ही बढ़िया। और अगर मान लो आपका जो बजट है वो एकदम टाइट है, मतलब 27,000 के आसपास में आप खरीद सकते हो, तो Asus VivoBook 15 आता है। ये एक तगड़ा लैपटॉप है, इसमें आपको इंटेल का सेलिरियन N4020 मिलता है जो कि एक 2 कोर का CPU है। एक चीज मैं बता दूं, इसमें आपको 15.6 इंचेस की HD डिस्प्ले मिलती है। हाँ, आपने सही सुना, फुल HD नहीं है, बट इसकी प्राइस भी देखो आप, कम प्राइस है इसीलिए इसमें HD डिस्प्ले है, बट इसमें आप आपके डे टू डे टास्क सारे कर पाओगे। आपको ब्राउज करना है या फिर छोटे मोटे MS ऑफिस वाले काम करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में PPT बनानी है, ये सारे काम आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों 8GB की रैम, 512GB की SSD को आप अपग्रेड कर सकते हो, रैम को नहीं कर सकते हो। इसमें फर्दर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है एंड जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है वो अच्छा है, बट आप गेमिंग इसमें नहीं कर पाओगे, गेमिंग के लायक नहीं है ये लैपटॉप। बट
अगर आपको एक ऑफिस के लिए लैपटॉप चाहिए जस्ट नॉर्मल यूज के लिए एकदम, जिसमें बैटरी बैकअप आपको 5 घंटे तक की मिल जाए, ये वो लैपटॉप है जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। एंड एट लास्ट बहुत ही कमाल का एक लैपटॉप है दोस्तों, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल लैपटॉप है। क्यों मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसका नाम बता दूं, दिस इज Lenovo ThinkBook 15G5। इसमें आपको Ryzen 3 7330U का CPU मिल जाता है जो कि एक 4 कोर का CPU है दोस्तों। इसमें आप एडिटिंग कर सकते हो एंड छोटे मोटी गेमिंग भी कर सकते हो। उसके बाद 8GB की RAM, 512GB की SSD और इन दोनों को आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है इस लैपटॉप में इस प्राइस ब्रैकेट में। जो सबसे पहली चीज इसको ज्यादा वर्सेटाइल बनाती है, दैट इज इसका जो CPU है बहुत कमाल का है। दूसरी चीज, इसमें जो आपको RAM और SSD मिल रही है उसको आप अपग्रेड भी कर सकते हो, जो कि बाकी सारे लैपटॉप्स में कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। फर्दर इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, मिलिट्री स्टैंडर्ड की बिल्ड क्वालिटी मिलती है एंड 15.6 इंचेस का इसमें आपको फुल HD एंटी ग्लेयर पैनल मिल जाता है। और देखो आप, इसमें जो आपको बॉडी की मटेरियल मिलने वाली है वो एल्यूमिनियम बिल्ड मिलने वाली है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी टॉप नॉच है। तो ये वो लैपटॉप है दोस्तों जो बहुत ही तगड़ा है एंड बहुत ही वर्सेटाइल है। 30,000 रुपए के आसपास में आप इसकी प्राइस देख सकते हो। बाकी अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूं तो AMD वेगा की इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, जिसके हेल्प के थ्रू आप छोटे मोटे गेम्स लो सेटिंग पे खेल सकते हो। और बैटरी बैकअप इस लैपटॉप में काफी बढ़िया है, आराम से 5 आवर्स प्लस की बैटरी बैकअप मिल जाएगी, 6 आवर्स तक जा सकती है, डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। एंड उसके बाद इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। तो मेटल बिल्ड क्वालिटी, अमेजिंग CPU, अपग्रेड कर सकते हो आप RAM और SSD को। उसके बाद इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है एंड सबसे अच्छी चीज फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। तो ये लैपटॉप वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल लैपटॉप है इस प्राइस ब्रैकेट में और अपने वैल्यू को, मतलब अपने प्राइस को बहुत ही ज्यादा जस्टिफाई करता है। सो दोस्तों, यही थे कुछ लैपटॉप जो 30,000 रुपए में बेस्ट लगे मुझे। आपका क्या ख्याल है कॉमेंट करके बताना, एंड अगर आपका कोई फर्दर सवाल है या सुझाव है आप कॉमेंट कर सकते हो, आपके कॉमेंट का मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको 40,000 सीरीज में लैपटॉप ढूंढना है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, एंटिल देन पीस आउट।